वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद अहमद ने वाजे कर दिया है, कहा इसराइल एनडीएस और भारत खित्ते को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। भारतीय वजीर दाखला का मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का इल्ज़ाम झूठ है। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाया जाए। भारत के पास कोई सबूत है तो पाकिस्तान को दे। भारतीय वजीर दाखला ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। वजीर दाखला ने कहा कि नूर मुकदम केस में जो भी मुलविस है उसका नाम ECL में डाल दिया है। सारी इन्वेस्टिगेशन फॉरेन ऑफिस की मौजूदगी में, जो अफगानिस्तान का डेलीगेशन आया था कल चला गया, उसको प्रोवाइड करनी। नूर मुकद के कातिलों का जो लोग केस में मुलवस पाए गए हैं, कल मीटिंग हुई है ECL में डालने की, सो उनको ECL में डाल दिया गया है। किसी दहशतगर्द के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वजीर दाखला इंडिया के पास कोई सबूत है, कोई दखल अंदाजी नहीं हो रही। ये जो कुछ उन्होंने बयान दिया है ये सरासर गलत। बाहर का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान पर मलबा डाल रहा है अफगानिस्तान का, ये सारी चीजें शिकस्त खाएंगी।